क्या यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो कि ये पिक्चर क्या दिखाने वाला है? एग्जैक्टली इसी जगह पे मैं कल्की के रिव्यू वीडियो में रुक गया था, क्योंकि उस दिन मेरे पास एनफ टाइम नहीं था एंड टू बी फ्रेंक मेरे पास कुछ खास आइडियाज भी नहीं थे। लेकिन आज इस पिक्चर को लेके कुछ सवाल आ रहे हैं मन में, तो उनपे बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा इस बच्चे को लेके, जो अपने आपको राया बोल के इंट्रोड्यूस कराता है, जिस नाम का कि एक्चुअल स्पेलिंग तुम लोग सोच रहे होगे कि RAYA राया। मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि ये नाम हम पहले ही सुन चुके हैं और इसी वर्ड का कुछ वैल्यूएबल मीनिंग्स भी एग्जिस्ट करते हैं इस संसार में, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि किस कंट्री में इसका क्या मतलब है। शायद माइथोलॉजिक में भी इसका कुछ इंपोर्टेंस है। इसके अलावा और भी मतलब है इसका, फ्रेंड एंड क्वीन। अब इतना सर्च करने के बाद मेरी नजर यहाँ पे भी पड़ी कि यहाँ पे राया का स्पेलिंग RAYA नहीं बल्कि RAIA है। तब मैंने कहा उसके बाद मैं फिर से ढूंढने लग गया और कुछ रिजल्ट से पता चला कि ये इसका अल्टरनेटिव स्पेलिंग है। अब ये सवाल खत्म होने के बाद मेरा और एक सवाल था कि ये बच्चा तीन लैंग्वेजेस में बात कर रहा है। नी पेरेंटी। एक तो इसका मदर टंग है शायद तेलुगु या फिर तमिल, देखो मुझे भाषाओं की पहचान नहीं है तो उंगली मत करना, और बाकी दो जो लैंग्वेजेस है वो हिंदी और इंग्लिश है। तुम भगवान हो? और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही टीजर में तीन लैंग्वेजेस क्यों। और थोड़ा सा ही दिमाग लगाने से ये पता चला कि ये लोग ऐसे ही सिचुएशन में जी रहे, मतलब कि जो कि दुनिया खत्म होने वाली है तो वहाँ पे सारे कल्चर के लोग मिलजुल के जी रहे, मतलब कि जीने के लिए ये लोग हर तरह के स्किल्स और हर तरह के भाषाओं को डेवलप करके ये लोग जी रहे होंगे, ताकि कम्युनिकेशन बेहतर हो और जीना आसान हो। जैसा कि हमने बड़े बड़े डिस्टोपियन मूवी में देखा है, तो वैसा ही कुछ इसका भी कॉन्सेप्ट होगा। फिर इसके बाद और एक सवाल ये भी है कि ये जो बच्चा राया, क्या ये बड़ा होके कल्की बनेगा? मीन्स के प्रभास का जो कैरेक्टर होने वाला है वो बनेगा? तो इसका जवाब मेरे हिसाब से तो शायद नहीं, क्योंकि असत्थमा जा रहे हैं आखिरी युद्ध के लिए और आखिरी युद्ध कल्की ही खत्म करेगा, तो शायद ये बच्चा ना हो, या फिर शायद हो भी सकता है क्योंकि इसके तीन पार्ट्स आने वाले हैं और ये वाला सीन किस पार्ट का होगा ये भी नहीं कह सकते। बेहतर होगा कि इसके जवाब के लिए हम पिक्चर का इंतजार करें, या फिर अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। Kindly request.